हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी एमबीबीएस एमडी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि लीवर की डिजीज़ में हमको किस तरह की डाइट लेना है, किस तरह का आहार लेना है, खाना किस तरह खाना चाहिए। क्योंकि लीवर की डिजीज़ में खाना किस तरह का लेना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ये वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ, तीन अलग अलग टाइप की लीवर की डिजीज होती हैं, जो कि लीवर सिरोसिस एक होता है, और एक जो है जॉन्डिस पीलिया जिसे कहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी और ई वायरस की वजह से होता है वो, और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये तीन अलग अलग टाइप के लीवर के बीमारियों में किस तरह का खाना खाना है मैं आपको बताऊंगी, और आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगी। तो मेरा वीडियो आखिरी तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी, जो सबसे डेंजर और सीरियस बीमारी होती है लीवर की, वो होती है लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस में ये होता है कि पेट में पानी भी भर जाता है और पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तोंद निकल जाती है, और जो पानी भर जाता है पेट में उसको मेडिकल टर्म है असाइटिस। तो यहाँ पर पेट फूल जाता है और पानी भरने की वजह से जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेट में वो भी दबने लगते हैं। और जब थोड़ा भी खाना खा लिए, यानी दो घूंट पानी भी कोई पेशेंट पी लेता है, तो वो पेट और ज़्यादा फूल जाता है। तो इसमें खाना ज़्यादा खाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें सोच समझ कर इस वक्त डाइट किस तरह लेना है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो है संतुलित और बैलेंस डाइट खाना है, कि हमको इसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, इसमें प्रोटीन भी चाहिए, और थोड़ा सा फैट भी चाहिए, जो कि डेली ज़रूरी हमारे जो हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, उसके लिए हल्की सी थोड़ी सी मात्रा फैट की भी चाहिए होती है। तो इसमें जो है किस तरह क्या लेना चाहिए ये मैं समझाना चाहूँगी आपको, कि समझिए आप एक जार है, बरनी है, एक जार बरनी है। अब उसमें हमको सबसे पहले डालना है टेनिस बॉल, फिर उसके बाद गोल्फ बॉल, उसके बाद रेती के बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े, और पानी भी। तो अगर हम सबसे पहले पानी डाल देंगे तो इसके ऊपर हम ये दूसरी चीज़ें जो टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल और रेती के टुकड़े हम डालना चाहें तो वो नहीं जाएगा। अगर हम पहले टेनिस बॉल और गोल्फ बॉल डालें, फिर रेती के थोड़े से टुकड़े डालें और फिर ऊपर से पानी डालें, तो पानी भी जाएगा और दूसरी चीज़ें भी जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मेरा ये मतलब है कि जो गोल्फ बॉल, टेनिस बॉल, जो बड़े बड़े टुकड़े जाएंगे, यानी जो कि रोटी हो गई, चावल हो गया, सब्ज़ी हो गई, ये जो मेन है, फिर उसके बाद जो थोड़ा कम वाली चीज़ें जैसे कि जो भी सप्लीमेंटेड फूड है, फिर नट्स हैं, उसके बाद लिक्विड डाइट है, पानी डालेंगे हम तो ये भी जाएगा, पानी तो ज़रूर जाएगा, लिक्विड भी जाएगा, लेकिन पहला हमको जो है मतलब ये है कि कैलोरी रिच फूड लेना है पहले। जैसे कैलोरी रिच फूड बोले तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, कम खाएंगे लेकिन एनर्जी जिसकी में ज़्यादा हो, जैसे कि लड्डू हो गया, जैसे कि पनीर पकौड़ा हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है कम जगह में, आप एक ही लड्डू में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और कैलोरी वाली चीज़ मिल गई। तो ये इस तरह से है। तो आपको ये जो लीवर सिरोसिस होती है उसमें किडनी पे बड़ी असर होना शुरू हो जाता है। तो किडनी में जब असर होना शुरू होता है तो उसकी वजह से साल्ट, सोडियम जो होता है कम हो जाता है हमारे शरीर में, हाइपोनैट्रेमिया हो जाता है। तो हाइपोनैट्रेमिया हो जाता है और हमको थोड़ा सा सोडियम की ज़रूरत तो होती ही है। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन इस तरह होती है कि पानी कितना आपको इस मात्रा, कितनी मात्रा में लेना है ये आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर सोडियम ज़्यादा हो गया, अगर सोडियम की ज़रूरत भी अगर ज़्यादा होगी, जब भी सोडियम ज़्यादा होगा उसके साथ और ज़्यादा पानी पेट में जमा हो सकता है। तो ये संतुलित आहार के लिए डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, और अपनी जो जो भी हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन भी चाहिए हमको, फैट भी चाहिए हमको, और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो उसी और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह भी चाहिए। तो ये एक संतुलित आहार हो गया। उसके बाद जो है दूसरी जो लीवर डिजीज़ होती है वो है हेपेटाइटिस। तो इसमें जॉन्डिस हो जाता है क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ई वायरस, तो ये वायरसेस जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं, जो हिंदी में जिसको कहते हैं पीलिया हो गया जो कहते हैं। इसमें भूख नहीं लगती, उल्टियाँ होते हैं। तो इसके वक्त जो है इसमें घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, डालडा और जो दूसरी तली हुई फ्राइड चीज़ें नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सब्ज़ी रोटी और जो है
तो हेपाटाइटिस में ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, यानी ये एक से दूसरे इंसान को लग सकती है। तो ऐसे में पेशेंट के जो प्लेट्स होते हैं, जो स्पून होते हैं, उसको अलग रखना चाहिए, सबके साथ बर्तनों के साथ मिला के नहीं रखना चाहिए, और टॉयलेट को सैनिटाइज करना चाहिए, और मक्खियों को वगैरह को अपने घर से दूर रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, और पानी उबाल कर ठंडा कर पीना चाहिए, और घर का बना हुआ ताज़ा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा बनाकर जब का जब खाना चाहिए। ये हो गया हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ थी और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जो होती है ये क्यों होती है। तो नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जो होती है, इसमें भी लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है, और ये जो होती है गलत किस्म के लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत मोटे हो जाते हैं, जो अपने उनकी जिस्म के मिडल पार्ट पे जिनके यानी तोन बहुत ज़्यादा निकल जाती है, जो फिट नहीं होते, वक्त पर सोते नहीं, वक्त पर खाना नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोगों में ये ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर फैट जमा होने लगता है। तो जब पेट पे फैट जमा होता है तो अंदर हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी ये फैट जमा होने लगता है, ख़ास तौर पर लीवर के अंदर, और इसकी वजह से लीवर में ख़राबी आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो है अपने बाहर का खाना जो होता है, रेस्टोरेंट का खाना, फास्ट फूड जो बहुत तला हुआ होता है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। वेजिटेबल्स और सैलड को अपनी खाने में डाइट में शामिल करना चाहिए, और 7 से 9 घंटे की नींद अच्छी तरह से लेना चाहिए, और वक्त पर सोना, वक्त पर खाना खाना चाहिए, और घर का बना हुआ साफ़ सुथरा संतुलित खाना खाना चाहिए। ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे भी फैट बढ़ जाता है, और फैट जब भी बढ़ता है तो उसके साथ साथ वो लीवर में डिपॉजिट होने लगता है। तो एक वीक में हम 21 मील्स लेते हैं, यानी हर दिन 3 मील लेते हैं। तो ये जो 3 मील लेते हैं, उसमें से ज़्यादा 1 या 2 मील में ही हम चीटिंग कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें वगैरह थोड़ी सी खा सकते हैं और बाहर की चीज़ें। बाकी जो 17-18 मील्स हैं वो बिल्कुल घर के बने हुए साफ़ सुथरे, और वो भी जिसमें तेल कम इस्तेमाल हो, वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, विटामिन ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें, और सैलड ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए, और नमक की मात्रा हमको कम खानी चाहिए, ख़ास तौर पे लीवर सिरोसिस में, क्योंकि नमक की वजह से पानी जमा हो जाता है लीवर सिरोसिस में। तो दाल में, चावल में थोड़ा सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सैलड के ऊपर लोग नमक डाल के खाते हैं, और ऊपर से कई चीज़ों के ऊपर वो नमक जो इसके ऊपर भी डाल कर खाते हैं, चावल के ऊपर भी नमक मिला के खाते हैं, नट्स के ऊपर नमक मिला कर खाते हैं, तो लोगों को आदत होती है ऊपर से किसी भी चीज़ पर नमक छिड़क कर खाने की, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, इसकी वजह से पानी भी बढ़ेगा, और सिरोसिस जो बहुत डेंजर और सीरियस बीमारी होती है, जिसमें खून की उल्टियाँ भी होती है, इस वक्त तो बिल्कुल नमक को कम कर देना चाहिए, और किसी भी चीज़ के ऊपर नमक बिल्कुल छिड़क कर नहीं खाना चाहिए। और जो लोग मोटे हैं, जिनके तोन निकली हुई होती है, उनको लीवर की बीमारियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और शुगर, डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, उनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है, उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक आने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अपने पेट के ऊपर चर्बी जमा मत होने दें, अपने आप को फिट रखें, और मोटा ना होने दें, अपने लाइफस्टाइल को हेल्थी बनाएं, एक्सरसाइज डेली किया करें, डाइट पर ध्यान दें अपनी, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।